थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनर्जी सिटी कहे जाने वाले ह्यूस्टन में तेल गैस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस औपचारिक बैठक में 16 ऊर्जा कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। बैठक में भारत अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में अमेरिका की ऊर्जा कंपनी टेलुरियन और पेट्रोनेट में समझौता हुआ है। दोनों कंपनियों में एलएनजी को लेकर समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक अमेरिकी कंपनी 5 मिलियन टन एलएनजी सप्लाई करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात अमेरिका पहुंचे। उनका विमान रात करीब 11 बजे अमेरिकी राज्य टेक्सास के सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों ने किया। इससे पहले भारत से उड़ान भरने के बाद उनका एयर इंडिया का विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 2 घंटे के लिए रुका था, जहां मोदी ने जर्मनी में भारतीय राजदूत मुक्ता तोमर और वहां के अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आज ह्यूस्टन में उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। पीएम मोदी ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में वो 50,000 प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। भारत के समय के अनुसार कार्यक्रम आज रात 8:30 बजे से शुरू होगा। ये कार्यक्रम 3 घंटे तक चलेगा। हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। ये पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के आयोजन में शामिल होगा। ट्रंप के अलावा इस कार्यक्रम में अमेरिका के कई वरिष्ठ डेमोक्रेट भी शामिल होंगे। मोदी के अमेरिका दौरे में उनकी मुलाकात ट्रंप के साथ 2 बार होगी। पहली बार ह्यूस्टन में और दूसरी मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगी। ह्यूस्टन में कार्यक्रम एनआरजी स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम के आयोजक टेक्सास इंडिया फोरम के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए 50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस कार्यक्रम में अमेरिका के सभी 50 राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होने के लिए आज आ रहे हैं। मेहमानों के लिए भी स्टेडियम का गेट कार्यक्रम के 1 घंटे पहले खोल दिया जाएगा। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम 3 घंटे तक चलेगा। कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की जा रही है। पूरे ह्यूस्टन में कार्यक्रम के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। इन बिलबोर्ड्स पर पीएम मोदी के स्वागत वाले संदेश भी लिखे हुए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 1,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगे हुए हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और नृत्य पेश करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खास गुजराती पारंपरिक डांडिया नृत्य भी पेश किया जाएगा। मोदी के कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में बहुत उत्साह है। वो पीएम मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आयोजकों के मुताबिक अमेरिका में पोप के बाद किसी विदेशी नेता के लिए जुटने वाली 50,000 लोगों की ये सबसे बड़ी भीड़ होगी। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का ये तीसरा मौका है। 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पहली बार और 2015 में सैन जोस में दूसरी बार पीएम ने भारतीयों को संबोधित किया था। पीएम मोदी दूसरे कार्यकाल में पहली बार अमेरिका के प्रवासियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका पहुंचते ही स्वच्छता का संदेश दिया। दरअसल जैसे ही मोदी प्लेन से उतरे, एक महिला ने फूल देकर उनका स्वागत किया। तभी गुलदस्ते से एक फूल नीचे गिर गया, जिसे मोदी ने खुद झुककर उठाया और अपने सिक्योरिटी स्टाफ को दे दिया। उनके इस छोटे से कदम से अमेरिका में उन्होंने अपने स्वच्छता के प्रति समर्पण को दर्शाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शनिवार के सुबह अमेरिका के लिए रवाना हुए। इमरान अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित करेंगे। इमरान ने संकेत दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का फिर से राग अलापेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाटक नहीं चलेगा। अकबरुद्दीन ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को जानती और समझती है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर के बालाकोट में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई और मोर्टार भी दागे गए। भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इससे पहले जम्मू के पुंछ, शाहपुर और केरनी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने फिर से भड़काऊ बयान दिया है। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए शेख रशीद ने कहा कि वो पूरे पाकिस्तान को कश्मीर के फ्रंट लाइन पर ले जाएंगे। कश्मीरियों को पाकिस्तान की एकता दिखाने के लिए वो कश्मीर की सीमा के हर इलाके तक जाएंगे।
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा और वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी 21 अक्टूबर को होगा। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का 15वें दिन भी इसरो से संपर्क स्थापित न होने के बाद इसरो चीफ के सीवन ने गगनयान को अपनी प्राथमिकता बताया। ओडिशा के भुवनेश्वर में इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 2 करीब 98% सफल रहा है, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश अब भी लगातार जारी रहेगी कि लैंडर विक्रम के साथ आखिर हुआ क्या। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को बीजेपी मन में बापू स्लोगन के साथ मनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बापू की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में बीजेपी सांसदों को जानकारी दी। गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शाह ने सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पटना में जन जागरण सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने को लेकर है। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को लेकर बीजेपी की ओर से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कोलकाता के शारदा शिशु मंदिर में आयोजित होने वाले मेगा इंटरैक्टिव सत्र की अध्यक्षता करेंगे। भागवत इस दौरान संघ को लेकर बंगाल में गलत धारणाओं को खत्म करने के लिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे, जिसके बाद 23 सितंबर को वो नागपुर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले भागवत ने कोलकाता में प्रसिद्ध गायक रशीद खान से मुलाकात की। लॉ की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार स्वामी चिन्मयानंद को संत समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि चिन्मयानंद के काम से संत समाज शर्मिंदा है। अखाड़ा परिषद की बैठक 10 अक्टूबर को हरिद्वार में होगी, जिसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से ही देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 370 के हटने के बाद दिल्ली मेट्रो भी आतंकियों के निशाने पर है, जिसको देखते हुए मेगा मॉक ड्रिल रखी गई। इस मॉक ड्रिल में केमिकल अटैक और आईडी ब्लास्ट से कैसे निपटना है, इसका अभ्यास किया गया। बिजनौर में एक दरोगा ने एक नाबालिग छात्र की पिटाई कर दी। बिजनौर की ही एक चौकी में दरोगा सतेंद्र उज्जवल ने 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की जमकर पिटाई की। छात्र के घर वालों ने आरोप लगाया है कि दरोगा ने छात्र को छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत भी ली। आरोपी दरोगा को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यहां एक घर पर खाना बनाने के दौरान पटाखों में आग लग गई और वहां धमाके के बाद मलबा फैल गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के गयासपुर गांव में एक अजगर ने नील गाय के बच्चे को जिंदा निगल लिया। गांव में अजगर को जानवर निगलते देखकर लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने इसकी खबर वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को वहां से रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के मंत्री गुलाब कमरो ने विवादित बयान दिया है। कमरों ने बड़े अधिकारियों को कौवा कहा और उन्हें मारकर टांग देने को कहा। अपने विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत के दौरे के दौरान कमरों ने कहा कि जहां तहसीलदार गड़बड़ करता है उसकी छुट्टी करा दी गई है और अब सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि चिड़िया मत मारो, कौवा मारकर टांग दो। मध्य प्रदेश के मंदसौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार से 24 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए। शिवराज बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने और उनके कर्ज और बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। शिवराज का आरोप है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों पर ध्यान नहीं दे रही। चंबल नदी पर बने डैम पर तेज बहाव के बीच फंसे एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में तेज पानी के बहाव में फंसे व्यक्ति को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद आपदा प्रबंधन की एक टीम वहां पहुंची और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट करने पर एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। पीड़ित छात्र एबीवीपी का है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। सकरा थाने में ड्यूटी पर तैनात हवलदार को गोली मारकर उससे कार्बाइन भी लूट लिया। दरअसल चेक पोस्ट के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान अपराधियों ने हवलदार पर गोलियां चला दी, जिसके बाद इलाज के दौरान हवलदार की मौत हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये गुजरात का एक अनोखा गांव है, जहां पर लोग 4 महीने तक अपने घर पर गाड़ियों को पार्क नहीं करते। बनासकांठा के पालनपुर में लोग दशहरा तक किसी भी प्रकार का वाहन गांव के अंदर नहीं लाते और अपनी गाड़ियों को गांव के बाहर ही पार्क करते हैं। यहां के लोग पिछले 350 सालों से इस प्रथा को निभाते चले आ रहे हैं। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। बक्सर, लखीसराय, खगड़िया के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दानापुर का दियारा इलाका भी पूरी तरह से डूब चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य में बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावितों का हाल लेने पहुंची सांसद अनुप्रिया पटेल नाव से उतरते वक्त गिर पड़ी। नाव से उतरने के लिए एक छोटी सी लकड़ी की पटरी को लगाया गया, लेकिन उससे उतरते समय उनका पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बांस की बल्ली थमाई, जिसके सहारे वो बाहर निकली। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक बस ड्राइवर की लापरवाही से होने वाला बड़ा हादसा टल गया। दमोह जिले के बांदकपुर इलाके में एक बस ड्राइवर ने अपनी और बस में सवार सभी पैसेंजर्स की जिंदगी दांव पर लगा दी। व्यर्मा नदी के ऊपर बने पुल पर पानी था, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर ने पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बुनकरों के घर में पानी घुसने से उनका कामकाज भी प्रभावित हुआ है। बुनकरों की हथकरघा मशीनें पानी में जाने से खराब हो रही हैं। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने एक कार सवार महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। गोली की आवाज सुनते ही महिला के पति ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। हत्या के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। दिल्ली के हरिनगर इलाके में बाइक से आए बदमाशों ने एक महिला की चेन छीन ली और फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो पुलिस ने जारी किया है। बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर कुछ सामान खरीद रही थी, तभी बाइक सवार दो स्नेचर आए और महिला की चेन छीन कर फरार हो गए। अब सिंगल यूज प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनेगा। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सरकार भी लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने पर जोर दे रही है। इस बीच आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक से पेट्रोल और डीजल बनाया जाएगा। इस फ्यूल की कीमत भी कम होगी और इससे प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम के एक कार्टूनिस्ट ने हाथ से लिखी सबसे लंबी कुरान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1000 मीटर लंबी कुरान लिखकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले मिस्र के मोहम्मद गनी के नाम पर 600 मीटर लंबी कुरान लिखने का रिकॉर्ड था। ईडी ने जानवरों की तस्करी से जुड़े एक मामले में 3 चिंपैंजी को अटैच किया है। ईडी ने चिंपैंजी के साथ साथ 4 मर्मोसेट यानी छोटे बंदरों को भी अटैच किया है। ईडी ने जानवरों की तस्करी करने वाले शख्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत ये कार्रवाई की है। गुजरात में लगातार बारिश से आम लोग तो परेशान हैं ही, अब जंगल के राजा शेर भी बारिश और कीचड़ से परेशान हो चुके हैं। अमरेली में शेर कीचड़ और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए नीचे उतर आए हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार की पूजा में आर्थिक मंदी का प्रभाव भी दिख रहा है। बड़ी और छोटी पूजा समितियों का विज्ञापन का बजट 50% तक कम हो गया है। गुजरात के गोंडल में लोगों ने हेलमेट पहनकर गरबा खेला। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए ट्रैफिक नियमों का महत्व लोगों को समझाने के लिए ये अनोखी कोशिश की गई है। वेलकम नवरात्रि कार्यक्रम में वाणन समाज के लोगों ने हेलमेट पहनकर गरबा खेला है, ताकि लोगों में नए ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता लाई जा सके। अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाली पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेगा रैली के बाद व्यापार को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्सपो दिल्ली के प्रगति मैदान में कल से शुरू होगा। ये एक्सपो 23 से 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें दुनिया भर की 300 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं।